हेलो दोस्तों, मैं सुजाता शर्मा। मेरे चैनल रसोई रतन में आपका स्वागत है। आज मैं एकदम नए तरीके की रेस्टोरेंट स्टाइल की आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी। आपने इस तरीके की सब्जी कभी पहले नहीं बनाई होगी, यदि नहीं बनाई है तो अब बना के देखिए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ये 1 लीटर पानी लूंगी, इसको मैं कढ़ाई में डालूंगी और इस पानी में ही हम ये 3 से 4 मैंने आलू ले लिए थे, इनको लंबा लंबा कट कर लिया। आप चाहें तो चौकोर भी कट कर सकते हैं। मैं इसको इसमें बॉईल करूंगी। और ये 1/2 किलो फूल गोभी ले लिया है, इसको मैंने मीडियम साइज में कट कर लिया है। इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये 3 टमाटर हैं, ये बड़े साइज के हों तो आप 2 डाल लीजिए। अब मैं इनको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करूंगी और जब बॉईल हो जाए तब मैं इसको बाहर निकाल लूंगी सब्जी आलू और गोभी को। तब मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से ये रेसिपी बनेगी। अब हमें आलू और गोभी को 3 से 4 मिनट और टमाटर को उबालते हुए हो गए। अब मैं इसको इस छलनी में निकाल लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए इस तरीके से। और टमाटर को हम 1 मिनट और उबलने देंगे ताकि उसका छिलका अच्छी तरह से उतर जाए। मैंने इस तरीके से इसमें छलनी पे निकाल लिए आलू गोभी ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और टमाटर मेरे 1 मिनट के लिए और बॉईल होंगे क्योंकि इसका जिससे कि इसका अच्छी तरह से छिलका उतर जाए। अब मैं इसमें 100-150 ग्राम तेल डालूंगी, उसमें मैं ये आलू और गोभी को फ्राई करूंगी। ये टमाटर का ये छिलका इस तरीके से हट जाएगा इस तरीके से। और इसको ठंडा होने के बाद हम इसको पीस लेंगे। ये मैंने टमाटर के छिलके उतार लिए और मैं इसमें मिक्सर जार में डाल लिया। इसको ठंडा होने के बाद पीसना है। ध्यान रहे कभी भी गर्म नहीं पीसना चाहिए, इससे मिक्सी का जार खराब होने का डर रहता है। अब ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, पहले मैं इसमें आलू फ्राई करूंगा। इसे हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको आलूओं को फ्राई करेंगे। अब देखिए हमारे आलूओं का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इनको निकाल लूंगी और इसी ऑयल में हम फूल गोभी फ्राई करेंगे। अब हम इसी ऑयल में ये फूल गोभी फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हमारी फूल गोभी भी फ्राई हो चुकी है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ इस तरीके से। इसका हम जब ऑयल सेपरेट कर लेंगे, मैं इस तरीके से ऐसे साइड में करके निकालेंगे ताकि सारा ऑयल निकल जाए। ये आलू और गोभी में हमारे फ्राई हो चुके हैं, मैंने इनको निकाल लिया है। अब मैं वापस से उसी कढ़ाई में बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए हम ये दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, 1 तेजपात का पत्ता, इसको जब तक ये थोड़ा क्रैकल होंगे और इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 गैस हम इस टाइम धीमी कर लेंगे। और इसमें मैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर और 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, इन सबको हम इस तरीके से भूनेंगे। और इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने टमाटर की प्यूरी पीस के तैयार करी थी बॉईल की हुई टमाटरों की, मसाले को भून लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया।
और ये मैं इसमें टमाटर प्यूरी पीसी है, इसी जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी डाल दूँगी, क्योंकि टमाटर की प्यूरी जो बची रह जाती है वो हमारी वेस्ट ना जाए। इसे हम 1 से 2 मिनट धीमी गैस से भूनेंगे। और मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, वो है मैं 1 चम्मच इसमें डालूंगी और 1 चम्मच बेसन। बेसन से क्या है कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसे भी हम धीमी गैस पर इन मसालों के साथ ही भूनेंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा सब्जी में। अब मैं ऐसे स्टेज पर डालूंगी, ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ऐसे ऐसे तोड़ के डाल देंगे इनको रफली। और हरी मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप तीखा कम पसंद करते हैं तो ना डालें। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये भी मैं इसे साथ में डालूंगी। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, मसाले भूनते समय ऑप्शनल है, लहसुन मैं खाती नहीं इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये 1 चम्मच ये धनिया है, धनिया पत्ता, ये भी हमें से भी हम मसाले के साथ ही भूनेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है, अभी हम इसको 2 से 3 मिनट इस तरीके से भूनेंगे जब तक ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ और ये 2 चम्मच में डालूंगी इसमें दही, ये बड़े चम्मच दही है ये डालूंगी। और इसे डाल के हम लगातार चलाते रहेंगे कि दही ये हमारा फटे ना। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच डालूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से क्या है सब्जी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, आप चाहें तो इसमें मावा भी डाल सकते हो, मावा हो तो, लेकिन मिल्क पाउडर से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम इसे धीमी गैस पे 1 से 2 मिनट और भूनेंगे। ये नमक हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, बॉईल किया हुआ पानी डालूंगी मैं इसमें। अब मैं इसमें बॉईल किया हुआ पानी डालूंगी, बॉईल किया हुआ पानी से क्या होता है कि सब्जी का कलर नहीं जाता है। मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे चलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें फ्राई की हुई फूल गोभी और आलू डालूंगी। ये 1 से 2 मिनट हो गया है, मैं इसको चलाते हुए अब मैं इसमें ये फ्राई की हुई फूल गोभी और आलू डाल दूंगी। खड़े मसालों की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, यकीन मानिए इस तरीके से आप सब्जी बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसको चलाते हुए इसे 1 से 2 मिनट धीमी गैस पे रख के पकाऊंगी। देखिए कितना बढ़िया, यदि आपको ये थोड़ी पतली लग रही हो तो आप इसको थोड़ा सूखा भी कर सकते हैं, यदि आप थोड़ी सूखी सब्जी पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सूखा भी सकते हैं। मैं इसको धीमी गैस पे 2 से 3 मिनट के लिए सब्जी को ढक के पकाऊंगी। अभी हमारी सब्जी लगभग बन चुकी है, अब मैं इसमें 2 से 3 टमाटर कच्चे डालूंगी इस तरीके से और 1 से 2 मिनट ढक के पकाऊंगी। ये हमें टमाटर पकाने नहीं है, बस थोड़ा कच्चा वाला ही टेस्ट रखना है। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी। अब देखिए हमारी ये सब्जी बनके तैयार हो गई, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। टमाटर ध्यान है ऐसे हमें बस कच्चा कच्चे से ही रखने हैं, बस कच्चे इन टमाटरों को डाल के हमें 102 मिनट के लिए बस पकाना है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये हमारी सब्जी बनके तैयार है, मैंने इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली रखी है, यदि आप सब्जी एकदम सूखी पसंद करते हैं तो इसका पानी और भी सुखा सकते हैं। अब मैं इसको हरे धनिए धनिया और ये हरी मिर्च और अदरक के लच्छों से मैं इसको गार्निश करती हूँ कर रही हूँ। यदि आपको ये मेरी आलू और गोभी की रेस्टोरेंट स्टाइल की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, पहले आइकन का बटन प्रेस करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं आती रहूंगी ऐसे ही नई नई और वीडियोज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।